अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर साइंस टीचर। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे और उसकी रीडिंग की थी। आज हमने पेज नंबर 11 में से गिव रीजंस करने। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है पार्ट बी, इसके हमने गिव रीजंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कैक्टस मेक्स फूड इन इट्स स्टेम। कैक्टस मेक्स फूड इन इट्स स्टेम। कैक्टस जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस, वो अपने स्टेम्स में क्यों फूड मेक करते हैं? स्टूडेंट्स, इसकी क्या रीज़न होगी? बिकॉज प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, क्योंकि कैक्टस का के पास कोई प्लांट कोई लीफ नहीं होता। जब किसी प्लांट का कोई लीफ नहीं होगा तो वो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगी? स्टेम में करेगी। शाबाश। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन फ्लैशी स्टेम। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के लीव्स में होता है थ्रू स्टोमेटा। तो जिस प्लांट का लीफ नहीं होगा तो वो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगी? वेरी गुड, स्टेम में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मशरूम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। मशरूम जो है वो फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्यों मेक करते हैं? मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मशरूम के पास क्लोरोफिल नहीं होते। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? ग्रीनरी, ठीक है। सो दे गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसलिए वो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड जो है वो मेक करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि जब किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता तो विदाउट क्लोरोफिल जो है वो प्लांट फूड मेक नहीं कर सकता। जब उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो फूड नहीं बना सकेगा, इसलिए जो है मशरूम डेड और डिकेइंग मैटर से फूड मेक करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ नॉन ग्रीन लीव कैन नॉट मेक फूड। नॉन ग्रीन लीव जो होता है, मतलब कि ऐसा लीव जो ग्रीन ना हो, वो फूड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? अ नॉन ग्रीन लीव प्लांट कैन नॉट मेक फूड बिकॉज इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि वो क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो वो फूड नहीं बना सकेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। विदाउट क्लोरोफिल एक प्लांट जो है वो फूड नहीं बना सकता। द सन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है हमारे पास, सूरज वो मेन सोर्स है, मेन जरिया है एनर्जी का। कैसे? सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि सन जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको? प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो लाइफ वुड एग्जिस्ट ऑन अर्थ इफ़ देयर वर नो प्लांट्स। अगर हमारे पास हमारी ज़मीन पे प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर कोई ज़िंदगी होगी? कोई ज़िंदा रह सकेगा? स्टूडेंट्स, क्यों नहीं रह सकेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारी ज़मीन पर कोई भी प्लांट ना होता तो कैसे, क्यों जो है वो कोई भी ज़िंदा ना रह पाता? बिकॉज प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। किसके ज़रिए रिलीज़ करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। देन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टेक्स दिस ऑक्सीजन टू लिव। तो फिर जो ऑक्सीजन स्टोमेटा से रिलीज होती है प्लांट्स में से, तो वो कौन इनहेल करता है? एनिमल्स इनहेल करते हैं और ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग मींस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रीन लीव इज ब्लीच्ड बिफोर कैरिंग आउट अ स्टार्च टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ग्रीन लीफ जो है हमारे पास, एक ग्रीन लीफ को अगर हम स्टार्च टेस्ट करने से पहले ग्रीन लीफ नहीं करते तो फिर क्या होगा? क्लोरोफिल हैज़ अ फाइन कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू ग्लूकोज। क्लोरोफिल, ग्रीनरी को हम क्लोरोफिल कहते हैं
और जब क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीनरी को अगर हम लीफ में से रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो क्लोरोफिल स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। इसलिए हम स्टार्च टेस्ट करने से पहले जो है वो ग्रीन लीफ में से क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं। किसके ज़रिए रिमूव करते हैं? ब्लीचिंग प्रोसेस के ज़रिए रिमूव करते हैं। ब्लीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक लीफ में से ग्रीनरी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स को हम ब्लीचिंग प्रोसेस के ज़रिए जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज के हमारा टॉपिक था, गिव रीजंस हमने की हैं। आई होप आपको समझ भी आई होगी। इसको आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन, और हर रीजन के बाद आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।